समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। और ये जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूं, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार, हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ, वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अरे भैया दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? अगले साल 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए, बाकी कौन बनेगा देश राज्य की जनता होशियार है वो चुनकर अपने आप बता देगी। भाई आरजेडी को जो करना है करे, हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है, आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है, आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। देखिए वक्त अमेंडमेंट बिल में ये दिखाता है कि जब तक मुसलमानों की या फॉर दैट मैटर किसी भी समाज की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, एक मिनट रुको भाई काहे घबरा रहे हो, जब तक राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं होगी तब तक आप ये संभव है कि आपके समाज या आपके खिलाफ भी कोई कानून बन जाए और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। वक्फ बोर्ड में का जो कानून अभी आया, भी कानून बना नहीं है, सरकार देश में कोशिश कर रही है, अभी तो उस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन उसके पक्ष में किसने वोट दिया? नीतीश कुमार ने। यही नीतीश कुमार कल फिर आकर गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, महागठबंधन में, और मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे कि हम तुम्हारे नए रहनुमा हैं। इस आदमी ने जदयू ने CANRC में भी ऐसे ही धोखा करके वोट किया था, फिर इंडिया में आकर मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे थे कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको बता रहा हूं जितने मुस्लिम नेता जो मुस्लिम समाज के लोग आज जदयू के साथ हैं, कम से कम ये वक्फ बोर्ड का निर्णय आने के बाद, जबकि जदयू के सांसद और इनके लोग खुलेआम लोकसभा में इसके पक्ष में खड़े थे, कम से कम अभी तो अपना पद छोड़ो। लेकिन MLC बनने के लिए, मदरसा में डोनेशन के लिए, सरकारी मदद के लिए, बोर्ड में चेयरमैन बनने के लिए अगर आप अपने कौम को बेच रहे हो तो लालू नीतीश और प्रशांत किशोर को दोष मत दो, दोषी अपने आप को मानो। मतलब आप बताइए कि जो जदयू में जो भी मुसलमान नेता आज खड़ा है वो किस आधार पर खड़ा है? भाई अगर आरजेडी ने किसी एक आदमी को MLC बना दिया हो तो एक मुसलमान MLC बनाना, उससे क्या हुआ समाज का, उससे क्या फायदा है?